ओम शांति। दादी जी, दादी जी, दादी जी, सबकी प्यारी दादी जी 104 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी जी का देवलोक गमन। 91 वर्ष की उम्र में नियुक्त की गई थी ब्रह्मा कुमारी की मुखिया। 46,000 ब्रह्मा कुमारी बहनों की अलौकिक मां का छुटा साथ। 140 देशों में स्थित संस्थान के 8,500 सेवा केंद्र का करती थी कुशल संचालन। इतनी उम्र में भी अल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से हो जाती थी ध्यानमग्न। विश्व के सबसे स्थिर मन की महिला का है वर्ल्ड रिकॉर्ड। पिछले साल इतनी उम्र के बाद भी की थी 50,000 किलोमीटर की यात्रा। 12 घंटे विश्व सेवा में रहती थी तब तक। 1916 में हैदराबाद सिंध प्रांत में जन्म हुआ। 1970 में पहली बार विदेश सेवा पर अध्यात्म का संदेश लेकर निकली और 2007 में ब्रह्मा कुमारी के मुख्य प्रशासिका के रूप में संभाली संस्थान की कमान। 100 देशों में अकेले पहुंचाया था राजयुग मेडिटेशन और आध्यात्मिक संदेश। 140 देशों में है ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सेवा केंद्र। 21 वर्ष की आयु में संस्थान से समर्पित रूप से जुड़ी। 12 लाख से अधिक भाई बहन वर्तमान संस्थान से जुड़े हैं विश्वविद्यालय से। 14 वर्ष तक की थी गुप्त योग साधना पिता श्री ब्रह्मा बाबा के अनुसरण में। 80% चीजें उम्र के आखिर पड़ाव में भी रहती थी यादें। 27 मार्च आबू रोड राजस्थान योग शक्ति की मिसाल अद्भुत आदित्य अविश्वसनीय व्यक्ति के धनी 104 वर्षीय राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी जी नहीं रही। उन्होंने 27 मार्च शुक्रवार को प्रातः 2 बजे माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। अपने जीवन के चरित्र के सबसे श्रेष्ठ सबको प्रेरणा दे के चली गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी के देवलोक गमन से भारत सहित विश्व भर में शोक की लहर छा गई। शुक्रवार दोपहर के संस्थान के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दादी जी के प्रति संस्थान के देश विदेश के 8,500 सेवा केंद्र पर योग साधना जारी। 46,000 ब्रह्मा कुमारी बहनों की अलौकिक मां और 12 लाख भाई बहनों की प्रेरणापुंज दादी का साथ हमेशा हमेशा के लिए विदाई ले ली दादी ने। आदरणीय दादी माँ जानकी जी 91 वर्ष की उम्र में 2007 में संस्थान के मुखिया नियुक्त की गई। दादी जी के कुशल मार्गदर्शन में दुनिया भर के 140 देशों में फैला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 8,500 से अधिक सेवा केंद्र का संचालन किया जा रहा है। दादी जी की अथक मेहनत, त्याग, तपस्या के चलते भारतीय पुरातन संस्कृति, अध्यात्म और राजयोग मेडिटेशन का संदेश उन्होंने अकेले विश्व के 100 से अधिक देशों में पहुंचाया। साथ ही 46,000 ब्रह्मा कुमारी बहनों की अलौकिक मां होने के साथ संस्थान से जुड़े 12 लाख से अधिक नियमित विद्यार्थी साधकों की प्रेरणापुंज भी थी दादी जी। विश्व के सबसे स्थिर महिला होने के नाते वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने प्राप्त किया। दादी जी 60 वर्ष की आयु में गई थी विदेश। जब लोगों ने खुद को कार्य सेवानिवृत्त समझ लेते हैं उस समय 60 साल की उम्र में बस 1970 में दादी जानकी जी पहली बार विदेश जमी पर मानवीय मूल्य और आध्यात्मिकता का बीज रोपने के लिए निकली। दादी जी सबसे पहले लंदन में 1970 में ईश्वरीय संदेश की शुरुआत की। यहाँ वर्ष 1991 में कई एकड़ क्षेत्र में फैला ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस की स्थापना की गई।
धीरे धीरे यहाँ कारवा बढ़ता गया और यूरोप के देशों में अध्यात्म का शंखनाद हुआ। दादी के साथ हजारों की संख्या में बीके भाई बहने जुड़ते गए। दादी जी की कर्मठता, सेवा के प्रति लगन और अथक परिश्रम की यह कमाल है कि अकेले विश्व में परमात्मा की शक्ति को उन्होंने प्रत्यक्ष करने की जो पुरुषार्थ की, 100 देशों में भारतीय प्राचीन संस्कृति, आध्यात्मिकता एवं राज्य का संदेश पहुंचाया। बाद में यह कारवां बढ़ता गया और आज 140 देशों में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास चल रहा है, कर रहे हैं जन जन। 37 साल रही विदेशों में दादी जानकी ने वर्ष 1970 से वर्ष 2007 तक 37 वर्ष विदेश में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद वर्ष 2007 में संस्था की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के शरीर छोड़ने के बाद आपको 27 अगस्त को ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका नियुक्त किया गया। तब से लेकर आज तक आप संस्था के कुशल पूर्वक नेतृत्व करते हुए लाखों लोगों की प्रेरणा पुंज बनी हुई है। ऐसी थी हमारी मीठी मीठी दादी जी, प्रेरणा स्रोत विश्व की माँ दादी जानकी दी, विश्व की माँ दादी जानकी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।